नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सबके। तो यार आज मेरा पहला दिन है जहाँ पे मेरे को काम पे निकलना पड़ेगा। अभी फिर बस अभी सुबह का क्या हो रहा है, 7:15 हो रहा है, तो अपन निकल रहे हैं ज़रा। तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा दूर जाना पड़ता है, यहाँ से 1.5-2 घंटे का रास्ता है, वहाँ पे भी निकलना है। एंड देखते हैं इस बार रास्ता वगैरह कैसा है, अगर सही हुआ तो मेरे को थोड़ा जल्दी, इसलिए इस बार आज जल्दी निकलेंगे, भी नहा धो के खाना मिला के निकलना है। एंड देखते कब तक वापस आते हैं, क्या बनता है क्या नहीं बनता है। वैसे तो मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे पढ़ना मेरे को जचता है नहीं कि मैं कार में या फिर ऐसे उसे पढ़ूं, पर अब जब कोई ऑप्शन ना हो तो थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है। तो चलो देखते हैं क्या कितना कैसे पढ़ सकते हैं। तो जिस सुबह माता ने मेरे को पहले दी चाय, और हाची बड़ी माता को देख रहा है कि भाई मेरे को दे दो रस रस रस, लेकिन मम्मी कह रहा है कि नो वेट, तेरे को नहीं मिलेगा। नहीं भी नहीं देखा भाई, चाहे हमारे रस पे भी नजर है इसकी, गजब तेज है यार। टाइम की कमी होने के लिए जल्दी से अपना ब्रेड सैंडविच उठाया, थोड़ा बहुत रेडी हुए, और मैं कहा चलो निकलें। कौन से हीरो साहब आए हैं? सनकिस्ट भाई साहब, एहसास ले आया, तगड़े पराठे आंटी जी ने बना दिए हैं। चटनी भी लाया, ये भी दिखाओ। ये चटनी का तोड़ नहीं है भाई, भाई फेमस है चटनी, ये अल्ट्रा लेवल चटनी, लहसुन की चटनी है, लहसुन की सेक्सी लगती है बहुत ज्यादा। अब पढ़े थोड़ा, मैं कहा टाइम टू किल है तो पढ़ लेते हैं अपन। टॉप करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, क्या करने के लिए टॉप। हाँ जी, तो अभी थोड़ा मिला टाइम, अपन उसको यूटिलाइज कर लेंगे। मैं कुछ नोट्स वगैरह लाए हुए अपने साथ, तो थोड़ा सा ये पढ़ते हैं। रास्ते में आते यार, टू बी ऑनेस्ट, अपना रास्ता था ये अराउंड 2-2.5 घंटे का जो पहले था ना। अभी तो थोड़ा काम करके आया हूँ, थोड़ा टाइम मिला, तो हार्डली 1/2 आवर के आसपास उस वाले में हुआ होगा, मतलब ट्रैवलिंग में, क्योंकि कई चीज़ें प्रिपेयर करनी थी आज के लिए, तो उसमें टाइम भी इन्वेस्ट हो गया। बाकी अभी टाइम मिला 1-1.5 घंटे के आसपास, तो ये कर लेता हूँ। इसी में अभी बंदा भी आ जाएगा यार अपना, है ना, फिर वापसी निकलते हैं। जब वो आता है तो फिर तो वापसी निकल जाएंगे। उसी बहाने उसमें तो ये हो जाएगा ना यार, बात करते करते अपन का थोड़ा बहुत डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि सेम बैकग्राउंड में कर रहे हैं, सेम चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हो जाएगा। जो मैं पढ़ूंगा वो पूछता रहूँगा, वो निपटा पाएगा तो मैं बता दूंगा, मैं निपटा पाऊंगा कोई चीज़ तो वो बता देगा। तो अभी इस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं टाइम को, बाकी घर पे करेंगे, टेंशन नहीं लेनी कहीं। हाँ, इससे मेरे को याद है, कई चीज़ें क्या होती हैं लाइफ में यार, बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो कि हमें लगता है बहुत इजी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी यूपीएससी के पेपर से हम देखें कि यार ये तो पेपर बड़ा डिफ़िकल्ट आया, उस टाइम पर हमारे क्या कहते हैं हमारे सीनियर्स, हमारे टीचर्स, कि आपकी मेंटल स्टेट बहुत काम रहनी चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि हमें लगे कि यार नहीं हो रहा, 2 क्वेश्चन नहीं हुए, 3 नहीं हुए, और कहीं पता चले आखिरी वाले आसान हो, तो उस टेंशन में होते भी नहीं है। तो जब भी मैं बोलता हूँ टेंशन नहीं लेनी, इसका ये मतलब नहीं होता कि हमने पढ़ना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। इट सिंपली मीन्स कि येस, आपका माइंड काम रहना चाहिए एंड जस्ट डू द वर्क, जितना हो पा रहा है आपकी कैपेबिलिटी में है उतना करना है ना, तो बस उतना करेंगे। और ये सोच सोच के टेंशन नहीं लेनी यार, यहाँ पे टाइम यूँ लग गया यहाँ पे, हाँ जहाँ पे बचा सकते हो बचाओ यार, पर जहाँ पे लगाना ही है उसका क्या कर सकते हैं, अंदर तो लगाना है ना। तो चलो मैं काम करता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं यहाँ पे निकालना, फिर काम करते हैं, फिर घर को भी निकलेंगे। हाँ जी, तो फिर अब मिला था टाइम, एहसास को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था अंदर, तो मैंने कहा बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। तो अराउंड 1 आवर, तो यहाँ 1 आवर तो नहीं, यहाँ पे बिना एहसास के 1/2 आवर के आसपास पढ़ लिए थे, और वापसी में रास्ते में मैंने 1 घंटा और कवर कर लिया था, तो 1.5 घंटा एंड 1/2 घंटा पहले का, 2 घंटा वॉज इन ट्रैवलिंग जो मैं पढ़ सका। देन हमने कहा थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, एंड आफ्टर ट्रैवलिंग हम आ गए अम्बाला। एंड वैसे आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ स्टारबक्स एंड ऑल, पर मैं कहा आज एहसास को कि चल तू खिला यार, मेरे को दबा के खिला, वो आज बहुत मेहनत कर ली है, अब एहसास मेरे को दे रहा है ट्रीट, कह रहा है स्टारबक्स में खिलाएंगे, है सत्य? हाँ, ट्रीट दे रहा है। हाँ भाई, जितनी मर्जी लो। चलो चलो, इसका गला खराब हो रहा है, कुछ गर्म खाएगा, पिएगा। ये क्या है, ये पिएंगे गर्म, सूंघ क्यों रहा है उसको, इसे अच्छे इसको फूंक मार, इसको कड़ी फूंक मारते होते हैं। जब बंदा नाटक वाला जान के मार रहा ताकि लोग बेइज्जती ना करें। नहीं, भाई ये किसको दिया है ये बता दो, ये क्यों मिलता है? और ये यार भाई साहब हमारा स्वागत कर रहे हैं, हैं भाई साहब? ओ भाई साहब, वॉक पे जाना है? अब नहीं जाना। एंड देन खाना खा के हमने सोचा कि चलो क्यों ना हिंदू का एनालिसिस देख लेते हैं, फिर आगे का थोड़ा काम करेंगे। यार ये बहुत हेक्टिक डे निकला, एंड अब सोने लग रहे हैं, बहुत थक गए हैं।
देखिए पापा भी आ गए हैं, पापा को लेके आना था स्टेशन से, तो डैड को भी लेके आए हैं। तो इन टोटल इफ़ वी टॉक अबाउट स्टडीज हाफ, तब एक घंटा कार में मिल गया था वहाँ पे, एक वहाँ ढाई एंड टू यहाँ, अराउंड 4.5 और 5 आवर्स। मैं जिस दिन काम होगा तो उस दिन ऐसे चल रहा है, जिस दिन नहीं होता तो तब तो चलो पढ़ पा रहा हूँ मैं अपना, तब इसीलिए मैं फिर वीडियो वगैरह ज़्यादा भी नहीं कर पा रहा, बिकॉज टाइम कॉन्स्ट्रेंट बहुत है एंड इट टेक सम टाइम फॉर एडिटिंग एज वेल। तो मैंने कहा चलो आज आप सबसे शेयर कर दूँ कि ऐसे है। बाकी आई होप अगर मेरा कम चल रहा है, लेकिन बाकी सारे अपना फुल ऑन मेहनत कर रहे हो कि नहीं भाई हमें सही से करना है, अच्छे से करना है। गिव एज मच एज टाइम यू कैन एंड ट्राई टू मेक इट प्रोडक्टिव, राइट? अगर प्रोडक्टिव नहीं होगा एंड उसके बिना कर रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस चीज़ को ज़रूर करूँ। बाकी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में।